तेमजे निम्नालोंग बीजेपी नेता नागालैंड के पर्यटन व हायर एजुकेशन मिनिस्टर। 5 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे एक ट्वीट किया, लिखा था, वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं पर यहां मैं पिघल गया। इस तस्वीर पर खूब रिएक्शंस आ रहे हैं। तेमजेन का यह अंदाज नया नहीं है। आपके मन में सवाल होगा कि तेमजेन खुद ये सब ट्वीट करते हैं या कोई और उनका ट्विटर चलाता है, क्योंकि अब तो वो मंत्री हैं, खूब बिजी रहते हैं, तो ये ट्वीट आदि की जिम्मेदारी किस पर है। दी लल्लन टॉप ने पिछले दिनों तेमजेन इमनालोंग से बात की थी, पूछा भी था कि आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है। सुनिए उनका जवाब। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है, काफी डिस्कस होता रहता है, स्पेशली आपका ट्विटर प्रोफाइल। बहुत सारे लोग, हमारा सोशल मीडिया टीम भी ये जानना चाहता है कि ये ट्विटर हैंडल चलाता कौन है आपका। नहीं, हमारे ट्विटर हैंडल मेरे एक भाई है वो चलाते हैं, मगर हर एक चीज में वो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, वो उन सब चीजों से वाकिफ है। तो क्या होता है, किसी पोस्ट को लेना है तो आप किस मिजाज के आदमी हैं उस हिसाब से ही तो आपका हैंडल चलेगा ना, और उस चीजों को लेके चलेगा। तो जोरी अच्छा है, भगवान का कृपा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा। और मुस्कान होना बहुत जरूरी हुआ राजनीति में। एक चीज मुस्कान, और दूसरा जो आपका एक जिस चीज के लिए ज्यादा आपकी चर्चा होती है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। आपको अपना खुद पे भी हंस लेने में ज्यादा एतराज नहीं है, जबकि जनरली पॉलिटिशियंस बड़े नर्वस होते हैं जोक्स को लेके, उनको बुरा लग जाता है। बट आप जानते हैं किस तरह से हंसना भी है, हंसाना भी है उस चीज को लेकर के, इसलिए हमने ये सवाल पूछा था कि आपका अकाउंट चलाता कौन है। अच्छा, हम ही जानना चाहते हैं कि हमने आपकी टीम है उससे भी हमने बात की है, तो वो यही बता रहे थे कि पूरे टाइम इनका मूड ठीक सा रहता है। हमने कहा कि नहीं, कभी तो ऐसा होता होगा कि कोई डेडलाइन हिट नहीं हुआ या कोई काम नहीं हो पाया, तो नाराज भी होते हैं। नहीं, नाराज इसलिए होते हैं जब लोगों में वो संयमता नहीं है कभी कभार कि वो टूट जाते हैं। देखो, राजनीति हमारे ख्याल से, हम राजनीति गुरु नहीं है मैं, मगर मैं जितना तक समझता हूँ, किस हाल में किस समय आप टूटे, आपका संयम अगर लंबा रहा तो लंबा चलेगा। आप नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तुरंत कोई आपके ऊपर हंसी कर देते, आपके ऊपर कुछ गलत कर देते तो आप गुस्सा हो जाते, तो वो सफल नहीं होगा। हंसी इसलिए आते है क्योंकि जब कोई व्यक्ति हम लोगों के खिलाफ गलत काम करते हैं या गलत चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाते हैं कि इसका कल्याण हो गया ना? सब बात तो वही है ना। और आप खुद बोला है कि राजनीति में किसी और के बारे में टिप्पणी देगा तो बुरा फटाफट मान जाते हैं। हम अपने आप के ऊपर टिप्पणी देते तो किसी को बुरा नहीं है। ऐसे भी आप जैसे, मैं हैंडसम नहीं हूँ। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप, हैंडसम की बात लेके आ गए।